हैं और ब्लू आइड हैं इस वक्त, अमेरिका से आए हैं ताज़े ताज़े, और इस्तकबाल भी कराया उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट, मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम, वरना मैंने कभी वकीलों की तरफ से उनका इस्तकबाल। आपको क्या लग रहा है कि वो नए सीन में कुछ ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं एतजाज साहब, वो सूट करते हैं अमेरिका को, सूट करते हैं मौजूदा जो सिस्टम है उसमें वो सूट करते हैं, क्या वो किसी नई जगह पे आप उनको देख रहे हैं कि वो बड़े किसी सेटअप में कुछ मेन कैरेक्टर के तौर पे सामने आए? की ख्वाहिश जरूर है कि उनको अहम जिम्मेदारी मिले, लेकिन ये पीपल्स पार्टी वाले एक एक सिस्टम के जो इस वक्त चल रहा है अच्छा या बुरा उसमें वो कैसे एडजस्ट हो सकते हैं, डेमोक्रेटिवली तो कोई आसान काम नहीं है। सो अगर किसी ने कोई और फार्मूला है तो मेरे, मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अभी बड़े सारे मामलात और मसाइल हैं। मैं मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुका हूँ कि 10-12 हफ्ते हमें देखने होंगे, और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ये कौम उकताती भी बड़ी जल्दी है और वोट देने में भी बड़ी जल्दी करती है। ये सारी कौम की लगाई हुई फसल है जो वो काट रहे हैं, ये सारे जो मामला, ये सारे जो आज ये नहीं हो सकता कि आप गन्ना उगाएं और वहाँ पटसन उगे और कपास उगे और कपास लगाएं और वहाँ गंदम उगे, ये कौम ने बीज बोए हैं, ये कौम के फैसले हैं। सो कौम के फैसलों में हम गबर साहब से भी पूछते हैं जनाब। तो इस वीडियो में शेख रशीद साहब कौम के किस फैसले के बारे में कह रहे थे कि ये जो बोए हैं अब वो काट रहे हैं? यकीनन मैं भी समझ गया हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, ये वो फैसला है जो कौम ने 18 फरवरी 2008 को किया था, जब उन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ वोट दिया और नवाज शरीफ और जरदारी साहब को हुकूमत दे दी। और ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं अब, वो उसके ज़िम्मेदार यकीनी तौर पर कौम भी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। खैर बर्दाश्त कीजिए नए इलेक्शन तक, अब जब नए इलेक्शन आए तो उस वक्त ज़रा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अच्छे लोगों को वोट दीजिएगा। थैंक यू।